हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और जैसा कि मैं बात कर रहा था रीजनिंग में किसकी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो टाइप फोर्थ की हम बात कर चुके हैं। और टाइप फोर्थ से मैं आपको बता भी चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। और अब जो हम इस टाइप की बात करने वाले टाइप फिफ्थ, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं, SSCGL हाई लेवल के जो पेपर है उन सभी में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप फिफ्थ की तरफ चलते हैं। देखो टाइप फिफ्थ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन चेंज। जैसे कि इसमें आपसे बोल देगा कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया गया है, ठीक है, वेस्ट को साउथ ईस्ट बना दिया गया है, ठीक है, तो वेस्ट को क्या बना दिया जाएगा, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दें, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया गया है या आपका साउथ वेस्ट को साउथ बना दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे अपनी मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन क्या होती है भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है कि नहीं, यही डायरेक्शन है। और इसके साथ साथ सब डायरेक्शन की बात करी जाए तो सब डायरेक्शन कौन सी है अपनी भाई, सब डायरेक्शन अपने ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये अपनी साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट, यही होगा अपना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट को भाई नॉर्थ बना रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट को क्या बना रहा हूँ मैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट को क्या बना रहा हूँ, नॉर्थ। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है अब आपकी नॉर्थ बन गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है ना इसको मैं घुमा रहा हूँ, अब किसी ना किसी एंगल पर घुमा रहा हूँ, या तो क्लॉक वाइज घुमाऊंगा या फिर एंटी क्लॉक वाइज, जो इससे एंगल बन रहा होगा उसी के हिसाब से घुमाएंगे। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना रहा हूँ तो मतलब इसे पीछे ले जा रहा हूँ, नहीं ले जा रहा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना ले जा रहा हूँ, 45 डिग्री, तो मतलब पूरे फिगर को हम क्या कर देंगे, 45 डिग्री घुमा देंगे, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिंपल समझ लीजिए, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना रहा हूँ भाई, इनके बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री ही लेना है, सब डायरेक्शन का जो एंगल है आपको इस टाइप फिफ्थ में 45 डिग्री ही लेके चलना, 45 डिग्री ही लेना है। तो अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पीछे से नॉर्थ बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और कितने जा रहे हैं, 45 डिग्री, तो पूरा ही पूरा जो फिगर है ना वो अपना कैसे घूम जाएगा, 45 डिग्री पर ही घूम जाएगा, ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो कैसे बन जाएगा अपना फिगर, यह अपना नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को मैंने क्या बनाया, नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्ट किसकी जगह आ जाएगा, नॉर्थ की है, और नॉर्थ कैसे चलेगा, पीछे चलेगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे इसको 45 डिग्री पीछे करोगे तो नॉर्थ वेस्ट, ऐसे इसको करोगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, ऐसे इसको करोगे ये साउथ वेस्ट, सिमिलरली इसको ये साउथ, साउथ ईस्ट, और क्या आ जाएगा आपका ईस्ट। इस तरीके से आपका पूरा जो फिगर है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त घूम जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनाया जा रहा है तो साउथ को क्या बना दिया जाएगा, तो हमें सिंपल से याद रखना कि कितना हमारा जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री या फिर आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस इतना सा देखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, सर क्वेश्चन लगा देना। देखो If नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या बन रही है आपकी, वेस्ट बन रही है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, और साउथ ईस्ट क्या बन गई आपकी, नॉर्थ बन रही है, नॉर्थ बिकम्स साउथ, नॉर्थ को क्या बना दिया है, साउथ बना दिया गया है, देन वॉट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देखो अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन आपको जो आंसर है वो सिर्फ पहली लाइन से ही मिल जाएगा। पहली लाइन में क्या बोला गया है, फर्स्ट लाइन में आपसे बोला गया है इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर होती है भाई, देखो जैसे ये ओरिजन है कि नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट किधर हो जाएगी अपनी, नॉर्थ ईस्ट किधर होती है, नॉर्थ किधर होती है, ऊपर, तो ऊपर है, ठीक है, और ईस्ट किधर है, राइट में, ये नॉर्थ ईस्ट है,
नॉर्थ ईस्ट को क्या बना रहे हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट को बना रहा है वेस्ट, तो वेस्ट इधर है कि नहीं है, नॉर्थ ईस्ट को क्या बना रहा है ये वेस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा कितना एंगल पे घूम गया है पीछे, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाया। तो देखो यहाँ पर बात करें इसी टाइप से, तो 90 तो यही होगा अपना, 90 तो यही हो गया, और ये कितना 45, मतलब अगर टोटल की बात करें तो ये 135 डिग्री किधर घूम गया है, 135 डिग्री किधर घूम गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब वामावर्त पीछे की साइड घूम गया है, ठीक है। तो लास्ट में जो पूछा गया है उसका आंसर देख लेता हूँ, वेस्ट कितना बन जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो वेस्ट डायरेक्शन है इसको भी एंटी क्लॉकवाइज आपको 135 डिग्री पर घुमा देना, तो 135 डिग्री पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट है कि नहीं, ये अपना ईस्ट है और ये साउथ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, साउथ ईस्ट। एक बार दोबारा समझ लीजिए, देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन से ही आपको आंसर पता करना है, तो फर्स्ट लाइन में आप देख लीजिए कितना एंगल पर वो घुमाए, तो कितने एंगल पर घुमाए भाई, नॉर्थ ईस्ट को उसने क्या बनाया, वेस्ट बनाया है, ठीक है। तो हम पीछे की साइड जाकर देखें, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाते हैं तो कितना एंगल घूम रहे हैं, 135 डिग्री, और किस दिशा में भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा जो आपसे लास्ट में पूछा गया है उसको भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा। अब ये भी बात है कि सर बताओ एंटी क्लॉकवाइज में तो क्लॉकवाइज देखूंगा, तो क्लॉकवाइज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लॉकवाइज अगर आप देखोगे यहाँ से भाई 135 डिग्री पीछे की साइड घूम रहा है, ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज देखोगे तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा, और 360 में से माइनस करोगे 135 को तो कितना आएगा भाई, 225 डिग्री क्लॉकवाइज है कि नहीं है भाई। ये पूरा हमारा कितना होता है, 360 डिग्री, तो जब ये हमारा 135 डिग्री है तो आपको क्लॉकवाइज चाहिए, तो क्लॉकवाइज जब आप निकालोगे तो क्या कर दोगे, 360 में से 135 को माइनस कर दोगे, तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। तो देखो यहाँ से अगर 225 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो देखो ये तो 90, ये 90 180 हो गया, और 45 और चलना है तो यहाँ पहुँच जाओगे, आंसर आपका सेम रहने वाला है, आंसर आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा कोई भी कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, एक ही चीज़ पे चलना है आपको, ये क्लॉकवाइज वगैरह निकालना नहीं है, सिंपल सा एंटी क्लॉकवाइज आप देख लीजिए, तो देखो पहले देख लो आप जो फर्स्ट लाइन बोल दिया या क्लॉकवाइज चला या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उसने बोला है उसी तरीके से आपको आंसर निकालना, दूसरे किसी मेथड पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ क्या बन रहा है भाई आपका, नॉर्थ इधर ही है ऊपर ये साइड, क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, इधर, तो भाई यहाँ से नॉर्थ ईस्ट बनाओ, किधर जा रहे हो, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, और कितना जा रहे हो, 45 डिग्री है कि नहीं, यही है घड़ी की सुई की दिशा में किधर जा रहे हो, 45 डिग्री, ठीक है। तो वेस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ, कोई मतलब नहीं है, एंड सो ऑन, देन व्हाट विल साउथ बिकम्स, तो लास्ट में जो पूछा उसी से मतलब मैंने आपको बताया, लास्ट में जो पूछा जाए उसी पर आप ध्यान दीजिए। तो इसने बोला है साउथ बिकम्स, तो साउथ को बताना है, साउथ किधर होती है भाई आपकी, साउथ होती है भाई नीचे, यह हमें पता है साउथ किधर होती है, नीचे, तो इसको भी क्या करना है हमें, 45 डिग्री किधर घुमा देना है, क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री देखो क्लॉकवाइज तो इधर होगा दक्षिणावर्त, और कितना 45 डिग्री घुमाना, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज हम इसके घुमा देंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, साउथ वेस्ट। कैसे पता करेंगे, नीचे की तरफ क्या होता है साउथ, और इधर की साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है वेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से आसानी से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, साउथ वेस्ट। आसान सी ट्रिक है, इसको फॉलो करके आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते थे, वो 32वां क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट जो है क्या बन रही है, साउथ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट किधर होती है भाई, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ किधर, नीचे, और ईस्ट राइट में, तो इधर होगी साउथ ईस्ट, ठीक है, क्या बन रही है, साउथ वेस्ट, तो साउथ नीचे ही होता है, वेस्ट किधर होता है, लेफ्ट में, साउथ वेस्ट। तो भाई साउथ ईस्ट को आप साउथ वेस्ट बना रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इससे इधर घूम रहे हो, इससे किधर घूम रहे हो, इधर, ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, और कितना घूम रहे हो भाई, 90 डिग्री घूम रहे हो, ठीक है, इधर होता है 45, इधर भी 45, तो टोटल कितना घूम गया आप, 90 डिग्री घूम चुके हो, ठीक है। साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ही साउथ वेस्ट आपका क्या बन रहा है, नॉर्थ वेस्ट,
एंड सो ऑन, इसी टाइप से चल रहा है, देन वॉट विल साउथ बिकम्स, तो साउथ कितना बन जाएगी भाई, साउथ किधर है, इधर ही है नीचे साउथ, जैसे मैंने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, ऐसे साउथ को 90 डिग्री किधर घुमा दूंगा, क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री अगर मैं घुमा दूंगा साउथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो किधर पहुंच जाओगे भाई आप, वेस्ट पर पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे, मतलब साउथ क्या बन जाएगी अब आपकी, वेस्ट पर होगी, यहाँ पर होगी आपकी साउथ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट, ठीक है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट क्या बन रही है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट किधर होगी, पहले साउथ वेस्ट को देख लेते हैं, साउथ नीचे की तरफ, वेस्ट लेफ्ट में, तो साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट क्या बन रही है आपकी, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ किधर है भाई, ऊपर, और ईस्ट राइट में, तो बिल्कुल इसके सीधा ही में आएगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट को क्या बनाया भाई हमने, नॉर्थ ईस्ट, तो कितना घूम गए, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, अब इसमें तो 180 डिग्री की बात हो रही है, तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 360 में से 180 माइनस करो कितना, 180 आने वाला है, ठीक है। तो आपसे आंसर क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, ऐसी नॉर्थ वेस्ट क्या बन गई है, साउथ ईस्ट, एंड सो ऑन, इसी टाइप से चलता है, देन वॉट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगी, तो वेस्ट किधर होती है भाई, इधर है बेस्ट, ठीक है, इसको भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, तो 180 डिग्री अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमा दी, तो किधर पहुंच गए भाई अपन, ईस्ट पर पहुंच गए, तो अब जो हमारी वेस्ट होगी वो किधर होगी, ईस्ट डायरेक्शन पर होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ईस्ट, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये है आपके क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, और बहुत आसानी से आप इन्हें भी कर सकते हो, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट में बताया है उसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सको, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, पढ़िए क्वेश्चन, देखिए, इट इज 3 o'clock, भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं घड़ी में, ठीक है, एंड इफ एट दिस टाइम, और यदि इस समय पर द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, जो मिनट हैंड है वो किसको पॉइंट कर रही है भाई, नॉर्थ ईस्ट को, तो सबसे पहले क्या बोला इसने भाई, 3 o'clock हो रहे हैं, तो 3 o'clock आपने देखा होगा घड़ी में कैसे बजते हैं भाई, जो अपनी मिनट हैंड होती है, मतलब मिनट की सुई, मिनट हैंड जो होती है वो किधर होती है, 12 पर है कि नहीं है, और जो आवर हैंड होगी, मतलब जो घंटे की सुई है, वो किस पर होगी, 3 पर, ये आवर हैंड मान लो, आवर एंड घड़ी, जो घंटे की सुई है वो किधर होगी आपकी, 3 o'clock पर, ठीक है। अब इसने बोला है द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, जो मिनट हैंड है वो इधर नहीं है नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर देख रहे हो आप नॉर्थ में, ठीक है, बट जो इसने क्वेश्चन में बोला वो किधर बोला है, इसने बोला है जो मिनट हैंड है वो किधर है, मिनट हैंड आपकी किधर है, नॉर्थ ईस्ट में, ना कि नॉर्थ में, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखना। अब यहाँ पर यही चीज़ है, आप ये मत सोचो कि यहाँ पर सुई वगैरह घुमा दी है, सुई नहीं घुमाई है, जो घड़ी है वो उसी डायरेक्शन में पूरी की पूरी घूमी हुई है, ठीक है, मतलब इस तरीके से घूमी है, जो नॉर्थ में जो इसका होना चाहिए पार्ट वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब 45 डिग्री इसने क्या कर दिया, नॉर्थ को क्या बना दिया है, नॉर्थ ईस्ट, तो 45 डिग्री पर घूमी हुई है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पर है 12 जो बज रहे हैं वो किधर है, 12 जो है वो इधर है घड़ी में, ठीक है, घड़ी में जो 12 है वो किधर है, इधर है, तो 3 किधर होगा भाई, सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला था, सिंपल है, जैसे घूम रहा है उतना ही सभी को घुमा दो, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, 45 डिग्री क्या कर देंगे, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 45 डिग्री जब आपने इसे क्लॉकवाइज घुमा दिया तो किधर आ गया भाई, इधर किधर होता, नीचे क्या है, साउथ, और इधर क्या होता, राइट साइड में ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा अब आपका 3, ये तो अपना भाई बेसिक जो हम कॉमन जानते हैं उस तरीके से आपको पहले देख लेना है, ठीक है, फिर जो क्वेश्चन बोला गया है कि उसको कितना घुमा दिया गया है, तो उस तरीके से आप देख लीजिए, और जो आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको घुमा देना है, इससे आपका आंसर आसानी से निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज 9 o'clock, क्या हो रहा है भाई, घड़ी में बज रहे हैं 9, तो 9 बज रहे हैं, तो सिंपल सा पहले 9 कैसे बजते हैं उसी को देख लेते हैं,
ये बात जरूर याद रखना कि आपको जो घड़ी में बजाना है टाइम वो सही बजाना है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि गलत टाइम आप दिखा दो कि 9 इधर है, आप 9 को इधर दिखा दो तो आपका आंसर आएगा गलत, ठीक है भाई। 9 बज रहे हैं तो 9 ऐसे ही बजेगा, ठीक है। जो अपनी मिनट हैंड है, जो मिनट की सुई है, वो किधर होगी, 12 के पास, ठीक है, ठीक 12 पर। और जो अपनी घंटे की सुई है, आवर हैंड, ठीक है, वो किधर होगी, 9 पर, ठीक है। सिंपल सही है ये। अब इसने बोला है द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट। जो मिनट हैंड है वो किसको दिखा रही है, नॉर्थ वेस्ट को। देखो ये नॉर्थ है अपनी, है क्या, नहीं नॉर्थ क्या ये है। अब इसने बोला है जो मिनट हैंड जो है वो किसको दिखा रही है, नॉर्थ वेस्ट को। तो नॉर्थ वेस्ट किधर होगी, इधर ऊपर की साइड नॉर्थ होती है और लेफ्ट में क्या होती है, वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इधर। मतलब नॉर्थ को किधर घुमा दिया भाई, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में। 45 डिग्री किधर घुमा दिया, उल्टी दिशा में। तो 9 o'clock जो आवर एंड है उसको भी क्या कर दो, सिंपल सा 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 45 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज जब आप इसे घुमाओगे तो किधर पहुंच जाओगे भाई, नीचे तो साउथ होता है, ठीक है, और लेफ्ट में वेस्ट। तो मतलब अब जो 9 है, मतलब घड़ी घंटे की सुई है, वो किधर होगी, साउथ वेस्ट में होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लॉक के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, टाइप 4 टाइप 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।